सब्सक्राइब कीजिए इंडियन फूड एंड ब्यूटी चैनल को, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। रेड कलर के बटन पे क्लिक कर लें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप नए वीडियो के साथ अपडेट होते रहो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूड एंड ब्यूटी, और मेरा नाम है अंजलि। तो फ्रेंड्स, आज हम नेल्स के टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो मैं आज नेल्स के बारे में बात करने जा रही हूँ कि हम नेल्स की केयर कैसे रखें, हाउ टू ग्रो योर नेल्स, अपने नेल्स को ग्रो कैसे करें हम और अच्छा कैसे रखें। कि फ्रेंड्स, हमारे नेल्स जो है टूट जाते हैं, अक्सर काम करते हुए टूट जाते हैं बीच में से, या फिर बहुत जल्दी मतलब पतले होते हैं, थिन होते हैं। तो नेल्स को कैसे हम शाइनिंग रखें और ग्रोथ अच्छी हो, टूटे नहीं जल्दी और अच्छी ग्रोथ रहे, तो सब शेयर करने जा रही हूँ। और हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें क्या क्या करने चाहिए अपने नेल्स की शाइनिंग करने के लिए, उनको ग्रोथ करने के लिए, और साइड में जो क्यूटिकल्स होते हैं उनको सॉफ्ट रखने के लिए। फ्रेंड्स, हमारे नेल्स में जो है डर्ट फंस जाती है, मैल भरी रहती है, तो हमें कैसे क्लीन करना होता है और क्यूटिकल्स को कैसे सॉफ्ट करना होता है, इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं। तो पहले मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि कुछ लोगों के नेल्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा ढंसे हुए रहते हैं, मतलब बहुत अंदर तक रहते हैं, स्किन के अंदर तक, कुछ इस तरह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, इस इमेजेस में, तो ऐसे रहते हैं। फ्रेंड्स, हम क्या करती हैं, तरह तरह के नेल पेंट्स यूज़ करती हैं, और इससे जो हमारे नेल्स पीले पड़ जाते हैं, एकदम येलो हो जाते हैं, तो हमें वाइट कैसे रखने हैं वो भी शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, हम तरह तरह के नेल आर्ट यूज़ करते हैं, इससे हमारे नेल्स पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हमें कम से कम जो है हर हफ्ते 1 वीक में एक बार सफाई करनी ज़रूरी है, केयर भी करनी ज़रूरी है अपने नेल्स को। तो मैं एक ऐसा टिप शेयर करने जा रही हूँ, ऐसा ऑयल, एक ऐसा होम रेमेडी बताने जा रही हूँ जिससे आपके नेल्स की बहुत जल्दी ग्रोथ होगी और अच्छे रहेंगे आपके नेल्स। और नेल कटर से आप जब कट करती हैं तो ज़्यादा नेल्स ना कट करें, उससे कि क्या हमारे क्यूटिकल्स नेल्स के साइड में जो होते हैं और नेल्स की ग्रोथ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। हम तरह तरह के नेल पेंट्स यूज़ करते हैं, नेल आर्ट्स यूज़ करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा नेल्स ख़राब होने लगते हैं, येल्लो होने लगते हैं। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले हम क्लीनिंग के बारे में बात करेंगे। नेल्स की सबसे पहले हमें डर्ट और क्लीनिंग हटानी होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्लीनिंग के लिए हमें जो है नेल रिमूवर लेना होगा। नेल रिमूवर आप जो है अच्छा वाला ही लें, अच्छे से, मतलब ये नहीं कि महंगा वाला हो, मतलब कि कंपनी हो, ब्रांडेड हो, वैसा लें, मतलब लोकल ना लें। उससे क्या होगा, बहुत केमिकल होता है तो हमारे नेल्स उससे भी येलो हो जाते हैं। तो आपने नेल रिमूवर जो है देख के इस्तेमाल करें कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो मैं क्लासिक का यूज़ करती हूँ, और ये मुझे 2 ईयर्स हो गए इसका यूज़ करते हुए नेल रिमूवर। तो मैंने इकट्ठा जो है 6 का बॉक्स मंगवाया था, 6 नेल रिमूवर की बॉक्स डिब्बे, मतलब 6 रिमूवल की बॉटल्स थी एक बड़े बॉक्स में। तो मैं वही क्लासिक की यूज़ कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा है। और इसे मैं नेल रिमूवर करके नेल्स पे अच्छे से जो है नेल पेंट हटा लूँगी सबसे पहले, जो पुरानी नेल पेंट लगी हुई है, इसे नेल्स क्लीन भी हो जाएंगे और अच्छे से पुरानी नेल पेंट भी हट जाएगी। उसके बाद जो है हम नेल्स की सफाई करेंगे, इसके लिए मैं कोलगेट टूथब्रश यूज़ करूँगी। और ये मैं आपको नेल रिमूवर दिखा देती हूँ, ये मेरा क्लासिक का ये नेल रिमूवर है, जो कि मुझे काफ़ी 2 ईयर्स हो गए मेरे नेल्स येलो नहीं हुए, अच्छा है ये भी। तो आप जो भी आप यूज़ करना चाहें। तो अब सेकेंडली है कि कोलगेट टूथब्रश मैंने अपना अलग सेपरेट रखा हुआ है नेल साफ़ करने के लिए। अपना आप अलग से नेल्स साफ़ करने के लिए टूथब्रश रख सकते हैं। तो कोलगेट से ये नहीं कि ग्रोथ होगी, कोलगेट सिर्फ मैं क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, नेल्स को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, नेल्स की ग्रोथ करने के लिए कोलगेट यूज़ नहीं कर रही मैं, सिर्फ और सिर्फ सफाई के लिए यूज़ कर रही हूँ, ताकि नेल्स में अच्छे से जो है डर्ट अच्छे से निकल जाए और शाइनिंग सी आ जाए, तो इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हम चलिए अब इसको अच्छे से क्लीन करते हैं ब्रश से। तो फ्रेंड्स, बहुत ईजी स्टेप हैं, लगभग 2 या 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे बहुत ही ईजी वे में, तो आपको खुद बेनिफिट मिलेगा, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और मैं इसी टाइप से अपने नेल्स की केयर करती हूँ और सफाई रखती हूँ, और नेल्स की ग्रोथ भी मेरी बहुत अच्छी हो जाती है। मुझे कट करने पड़ते हैं क्योंकि कभी नेल्स बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं तो कट करने पड़ते हैं, ताकि जो है, और नेल्स की जो है मोटाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, नेल्स की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें फॉलो करती हूँ मैं, और ज़्यादा मतलब केमिकल वाली चीज़ें भी नहीं लगाती जिससे कि नेल्स येलो हों। तो ये चीज़ें करनी ज़रूरी है हमारी क्लीनिंग के लिए, अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, अब जो है मैं इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद, दोनों हाथों को क्लीन करने के बाद मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी।
लगभग 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मैं क्लीन करूँगी। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अच्छे से जो है हैंड मैंने अच्छे से पोंछ लिए, धो लिए, पोंछ लिए टॉवल से। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, ये ईयरबड आती है, ईयरबड मैंने ली है, और ये क्यूटिकल्स पे लगाने के लिए, नेल्स पे लगाने के लिए आसानी रहेगा। ये फ्रेंड्स ऑयल है, ये कैस्टर ऑयल है, यानी कि अरंडी का तेल। इससे बहुत अच्छी नेल्स की ग्रोथ होती है फ्रेंड्स, बिलीव मी, बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ होगी। इसे हम अपने नेल्स के क्यूटिकल्स पे और नेल्स पे लगाएंगे ईयरबड की सहायता से। और ये नहीं कि आप इसे एक बार लगाया और अच्छे से ग्रोथ हो गई, ऐसा नहीं होगा। लेकिन देखिए आप मैं किस तरीके से लगा रही हूँ, अपनी ईयरबड की सहायता से मैं नेल्स के चारों तरफ लगा रही हूँ और नेल्स के अंदर की तरफ भी लगा रही हूँ, क्यूटिकल्स पे भी लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स इसे जो है आपने एक बार लगाया और आपकी नेल्स की ग्रोथ तो शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम बाद आपको बेनिफिट मिलने लगेगा, अपने आप ही शाइनिंग आने लगेगी, नेल्स बनने लगेंगे, ग्रोथ होने लगेगी, ऐसा होगा। और कुछ कुछ अपने हार्मोन्स पे भी डिपेंड करता है, हमारे जो है डाइट पे भी डिपेंड करता है कि हम खान पान किस तरह का रखते हैं, इस पे भी निर्भर करता है। लेकिन हाँ कि इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा, नेल्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा, ये है। और अब जो है इसे काफ़ी लगाने के बाद आपको खुद को महसूस होगा कि नेल्स की हमारी शाइनिंग होने लग गई, ग्रोथ होने लग गई बहुत ही जल्दी, मतलब आपको पहले से बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलने लगेगा, ये है बस इसी लगाने से। और कुछ जो जैसे कि मैंने कहा डिपेंड भी करता है डाइट वगैरह पे, इन सब चीज़ों पे। तो लेकिन इससे ग्रोथ काफ़ी अच्छी मिली मुझे और काफ़ी फ़ायदा मिला। और जिन लोगों के नेल्स ढंसे हुए रहते हैं उनको भी मैंने इस तरह के उन्होंने यूज़ करे, फॉलो करे, तो उनके काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये। और ये इसके बाद लगाने के बाद आप इसे थोड़ी देर ऐसे ही रखें, अपने आप एब्जॉर्ब कर लेगा। फ्रेंड्स हमने कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल हमने इसमें लगा लिया, हमारे क्यूटिकल्स भी बहुत सॉफ्ट हो गए, नेल्स भी अच्छे हो गए, तो काफ़ी मॉइस्चर मिल गया हमारे नेल्स को। और हमारे क्यूटिकल्स जितना अच्छे से सांस ले पाएंगे, खुल पाएंगे, इतने सॉफ्ट रहेंगे, उतने हमारे नेल्स की ग्रोथ होगी। अगर क्यूटिकल्स ड्राई रहेंगे तो नेल्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, इसलिए आप क्यूटिकल्स को हमेशा सॉफ्ट रखें, नरिश रखें। तो फ्रेंड्स अब हम जो है नेल पेंट लगाने जा रहे हैं, तो फिरोजी शेड है लोटस की और लोटस हर्बल की नेल पेंट, और दो लस्टर नेम से हैं वो, मैट में हैं शेड्स, मैट नेल पेंट हैं वो, वाइट में हैं और एक ग्रे शेड में हैं। तो आप चाहें तो 3 कॉम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं, आजकल बहुत ट्रेंड में हैं, और नेल आर्ट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है नेल पेंट, अच्छी नेल पेंट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, और जो है इससे क्या येलो नहीं होते, नेल्स अच्छे रहते हैं। तो इससे मैं जो है इसमें आप कोई सा भी डिज़ाइन, नेल आर्ट वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके मैं नेल पेंट लगा लूँगी और हमारे जितने क्यूटिकल्स नरिश रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे, उतनी हमारे नेल्स की अच्छी ग्रोथ रहेगी, और ओपन रहेंगे खुली अच्छे तरीके से नेल्स की ग्रोथ हो पाएगी। अगर ड्राई रहेंगे तो ग्रोथ नहीं होगी, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें और सफाई रखें। देखा फ्रेंड्स कितना ईजी था अपने नेल्स की केयर करना, और ऐसे आप 1 वीक में ये 3 स्टेप फॉलो कर सकती हैं और अच्छे से हमारे नेल्स भी अच्छे लगेंगे। आई होप फ्रेंड्स कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें। आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो, और सब्सक्राइब के बाद नोटिफिकेशन जो बेल है उसको भी ऑन कर लें ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और अपने वीडियो के साथ अपडेट होते रहोगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, और मैं इस तरह से आप लोगों के अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। और आप देख सकते हैं कितने शाइन कर रहे हैं नेल्स और कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरीके से मैं अपनी केयर करती हूँ अपने नेल्स की, तो मैंने जो कुछ मुझे आता था वो मैंने सब शेयर करा। तब तक के लिए